हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेप बाय स्टेप गार्डनिंग। फ्रेंड्स देखिए, मेरा जीनिया का फूल कितना खूबसूरत खिल के आया है, बहुत हैवी फ्लावरिंग कर रहा है, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर दूं। पूरा पॉट फूलों से भरा हुआ है, ये बहुत हैवी फ्लावरिंग करता है, अभी भी इसमें बहुत सारी कलियाँ हैं, अभी और भी फ्लावरिंग करेगा। ये पूरा कवर कर लेता है पॉट को फूलों से, और इसमें लीव्स भी नहीं दिखाई देते हैं। इनकी लीव्स भी बहुत ग्रीन, डार्क ग्रीन है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है ये जीनिया का फ्लावर। इसमें कई डिज़ाइन के अलग अलग वैरायटी के फूल आते हैं जीनिया में, और कलर भी अलग अलग आते हैं। मेरे पास दो कलर है, ये थोड़ा एक ऑरेंज में है और एक दूसरा येलो में है, दो कलर है। और मैंने इसे सीडलिंग करके ही तैयार किया था। एक्चुअली मेरी जो नेबर हैं उन्होंने मुझे सीड्स दे दिए थे, तो बहुत सारा सीड्स जो भी मैंने जर्मिनेट किया था वो सारा अच्छे से जर्मिनेट हो गया था, और एक भी सीड्स ख़राब नहीं हुए थे। बहुत इजी टू ग्रो है ये प्लांट जीनिया का, तो सारे सीड्स तैयार हो गए थे अच्छे से, तो मैंने इसे बहुत सारे पॉट में लगा दिया है। ये जो पॉट देख रहे हैं आप, 10 इंच के पॉट हैं, ये भी बड़े साइज़ के पॉट हैं, तो मैंने इनमें दो दो तीन तीन प्लांट्स लगा दिए थे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी पौध तैयार हो गई थी। तो इस तरह से इसमें खूब अच्छी फ्लावरिंग हो रही। जो फर्स्ट राउंड के पौध तैयार हुई थी उसे मैंने पहले शिफ्ट कर दिया था पॉट में, तो उनमें हैवी फ्लावरिंग हो चुकी है। और जो सेकंड राउंड में तैयार हुई थी उनमें देखिए अभी सिंगल सिंगल फूल खिलने शुरू हो गए हैं, कलियाँ बननी शुरू हो गई है। सभी जो छोटे वाले प्लांट हैं ये देखिए, बहुत सारे पॉट में मैंने इन्हें लगा दिया। और इसके अलावा मैंने जो ज़्यादा पौध तैयार हो गई थी तो मैंने इन्हें अपने फ्रेंड्स को भी शेयर किया, बहुत सारी पौध में दे चुकी थी, क्योंकि इतने सारे पॉट नहीं होते एक ही तरह के प्लांट के लिए, तो मैंने अपनी फ्रेंड्स को शेयर कर दिया। तो उनके गार्डन में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है ये जीनिया, अच्छा लगता है शेयर करके। तो नर्सरी से तो लाते हैं तो एक ही दो प्लांट, दो चार प्लांट ही ला पाते हैं, बट जब खुद प्लांट हम तैयार करते हैं तो बहुत अच्छी क्वांटिटी में प्लांट तैयार हो जाते हैं। इस पॉट में मैंने सीडलिंग की थी, ये है 6-7 इंच का पॉट होगा, 7-8 इंच का पूरा पॉट भरा हुआ था, बहुत अच्छी सीडलिंग हुई थी। और फिर मैंने इनमें से निकाल के लास्ट में कुछ 2-4 प्लांट छोड़ दिए हैं, तो देखिए वो भी रेडी हो रहे हैं फ्लावरिंग के लिए, कुछ दिन में बर्ड्स आ जाएंगे तो ये भी फ्लावरिंग करना शुरू कर देगा। जीनिया बहुत प्यारा ऑप्शन है समर के लिए, फूलों से पूरा भरा रहता है। देखें आप, मेरा तो गार्डन पूरा फूलों से भर गया, इतनी हैवी फ्लावरिंग है कि इतना खुश हो जाता है मन। मॉर्निंग इवनिंग हम लोग यहीं बैठते हैं इसके पास, और इन फूलों को देख के बहुत खुशी होती है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है। तो आप भी जीनिया को समर टाइम में अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। हमारे यहाँ यही वैरायटी मैंने देखी है, अदर वैरायटी भी और जगहों पे आती होगी। इसका फूलों का जो टाइम है फ्रेंड बहुत ज़्यादा लंबा है। देखिए जो इसका फूल फर्स्ट फ्लावर खिला है ना, ये वाला बहुत बिग साइज़ का खिला था, ये वाला फूल, और एक यहाँ पे है ये, तो ये स्पेंट हो गया है, ये काफ़ी दिनों से खिला हुआ था। ये 20 अप्रैल को खिल गया था, और अब जाके स्पेंट हुआ है, बहुत बिग साइज़ का फूल खिला था जो फर्स्ट फ्लावर था। और आप देख लीजिए 15-20 दिन इसका टाइम है, इतने 15-20 दिन तक ये फूल खिले रहते हैं, जल्दी स्पेंट नहीं होते। इसीलिए एक जो पहले के फूल हैं और जो साथ में और फूल आए हैं, इसलिए आपको पूरा पॉट भरा हुआ दिख रहा होगा। जनवरी में मैंने इसकी सीडलिंग की थी, और प्लांट तैयार होने में टाइम लगता है। फिर मार्च में मैंने इसे रिपोर्ट कर दिया था, तो 2-3 महीने लगते हैं इसे प्रिपेयर होने में। उसके बाद जब फूलों का टाइम शुरू होता है, फ्लावरिंग स्टार्ट होती है, तो ये लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक फ्लावरिंग करते हैं, पूरे समर ये फ्लावरिंग करते रहेंगे। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है समर टाइम में अपने गार्डन में ऐड करने का, जीनिया का फूल। उसके बाद इसकी केयर में कैसे करती हूँ, इसमें क्या ऐड करती हूँ कि इतना देखिए इतना हैवी फ्लावरिंग कर रहा है, पूरा भरा हुआ है। मैं कितनी तारीफ़ करूँ इसकी, इतनी कम है, पूरा भरा हुआ है पॉट। तो मैं इसमें क्या करती हूँ, जब मैंने इसकी सॉइल तैयार की थी तो सॉइल में वही 30% करके 1/3 की रेशियो में लिया था मैंने, 1/3 गार्डन सॉइल, 1/3 कम्पोज और 1/3 सैंड ले लिया था। कम्पोज मैंने अच्छे से इसमें डाल दिया था ताकि उसे हैवी फ्लावरिंग करनी थी। देखिए इतनी हैवी फ्लावरिंग है तो इसे अच्छी फूड तो देनी पड़ेगी ना, तो इस तरह से मैंने इसे सॉइल तैयार करके सॉइल मिक्सचर लगा दिया था। उसके बाद मैं इसे हर 12-15 दिन के बीच ज़रूर इसे मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र दे देती हूँ। लिक्विड फर्टिलाइज़र में वही जो मेरी हर वीडियो में आप लोग सुनते हैं, देखते हैं कि मैं क्या यूज़ करती हूँ, इसमें मैं बनाना पील, ऑरेंज पील और अनियन पील का फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ, और साथ में DAP के कुछ दाने भी ऐड कर देती हूँ। देखिए मैंने DAP डाला हुआ है, अभी कल ही मैंने इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐड किया है ताकि आगे फ्लावरिंग करता रहे। जिनमें ऑलरेडी फूल है उसमें मैं DAP नहीं डालती, हल्का सा लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल देती हूँ, लेकिन इन फूलों को देखिए अभी फूल खिलने बाकी हैं, तो मैंने इनमें DAP के दाने और
लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐड कर दिया है ताकि अच्छी सी ग्रोथ हो जाए और अच्छे से फूल हो। आप देख भी सकते हैं सिंगल सिंगल फ्लावर में किस तरह से ब्रांचेस बन के आ रही हैं, बहुत हेल्दी प्लांट है। अब जब ये थोड़े दिन में पूरा पॉट भर जाएगा तो गुच्छे में फ्लावरिंग होने लगेगी। तो इस तरह से मैं गार्डन सॉइल इसका सॉइल मिक्सचर तैयार करती हूँ और कंपोज में यही डालती हूँ जो मैंने आपको अभी बताया है, जस्ट DAP के दाने और लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो आप ऐसा यूज़ कर सकते हैं। और जैसे सीज़न ऑफ हो रहा है फ्रूट्स का, तो अगर आपको वो फर्टिलाइज़र नहीं बना पाते हैं तो उसमें आप काउडंग कंपोज और वर्मी कंपोज टाइम टाइम से या तो लिक्विड फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में डाल सकते हैं, तो उससे भी अच्छी फ्लावरिंग करता रहता है। वो थोड़ा सा गर्म होता है, गर्मी का सीज़न है, तो आप उसे 20-25 दिन के गैप पे यूज़ करेंगे। लिक्विड फर्टिलाइज़र तो अच्छे होते हैं, उनसे कोई नुकसान नहीं है, बट वर्मी कंपोज या काउडंग कंपोज को थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस पे यूज़ करें, 20-25 दिन के गैप पे या एक महीने के गैप पे। तो इस तरह से आपके गार्डन में भी फ्लावरिंग होगी। उसके बाद जो सनलाइट है, इसकी सनलाइट की नीड बहुत अच्छी है। देखिए मेरा जो प्लांट है ना, पूरे दिन धूप में रहता है, फुल टाइम। मॉर्निंग में धूप आती है यहाँ, जब जब सूरज निकलता है तो मॉर्निंग से इवनिंग तक धूप होती रहती है, इसमें लगती रहती है, और बहुत तेज़ धूप होती है। तभी भी देखिए इनकी लीव्स भी देख सकते हैं आप, कितनी डार्क ग्रीन लीव्स हैं और अच्छे से एकदम हैप्पली ग्रोथ करके फूल दे रहा है ये। तो मेरा फुल डे सनलाइट में रहता है, आप इसे फुल डे की सनलाइट दीजिए तो अच्छी फ्लावरिंग करेगा। उसके बाद वाटर की नीड भी इसकी अच्छी है फ्रेंड। मैंने जो नोटिस किया है, अगर मैं डेली इवनिंग में वाटरिंग कर देती हूँ और मॉर्निंग में नहीं करती ना, तो अगले इवनिंग तक ये फूल और प्लांट्स पूरी तरह से झुलस जाते हैं, बिल्कुल मुरझा जाते हैं, बहुत बुरा लगता है, ऐसा लगता है जैसे प्लांट मर चुका है। तो इसलिए आप इसमें दो बार वाटरिंग करें। इसकी मिट्टी को ड्राई ना होने दें, थोड़ा इस तरह से सॉइल में नमी बना के रखें। अभी मैंने इवनिंग में डाला है तो देखिए आपको मॉइस्चर दिख रहा है, बट मुझे मॉर्निंग में दोबारा डालना है। अभी मैं इसमें थोड़ा थोड़ा वाटरिंग और कर दूँगी ताकि इवनिंग तक इसका पानी बिल्कुल मिट्टी ड्राई ना हो और प्लांट को ज़्यादा इफेक्ट ना दें। तो बस ये सारी इसकी नीड्स है, और इस तरह से आप इसकी केयर करते हैं जैसे मैंने बताया, तो आप इसे ईजिली ढेरों फूल ले सकते हैं, जैसे मेरे फ्लावर में हो रहा है, जैसे मेरे प्लांट में हैवी फ्लावरिंग हो रही है। देखिए पूरा यहाँ से लेके आप जहाँ तक देखेंगे ना, फूल ही फूल भरे पड़े हैं, बहुत ज़्यादा हैवी फ्लावरिंग कर रहा है मेरा प्लांट, और साथ में कुछ जो पौध लेट लगाई थी वो भी तैयार हो रही हैं। तो जीनिया बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके गार्डन में समर के लिए, तो आप प्लीज़ इसे ज़रूर लगाएं, अपने गार्डन में ऐड करें और इससे ढेरों फूल लें। देखिए मेरे सदाबहार कितनी हैवी फ्लावरिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छे फूल खिल रहे हैं। मेरा गार्डन पूरा फूलों से भरा हुआ है। ये विंका है, ये विंका देखिए छोटा सा प्लांट है, एकदम छोटा सा ब्रांच है, और पूरा फूलों से देखिए चारों तरफ से भरा हुआ है। और ये मेरा रेड पॉर्चुला का, ये भी पूरा पॉट भरा हुआ है देखिए। तो जो लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं आप लोग को बताती हूँ ना, प्लीज़ उसे आप ज़रूर यूज़ करें, यूज़लेस चीज़ों से बन जाता है किचन वेस्ट से। और देखिए पॉर्चुला का से पॉट पूरा भरा हुआ है, अभी तो धूप होगी तो अच्छी तरह से खिल जाएगा, अभी टाइम कम हो रहा है, 8 ही बज रहे हैं शायद। तो इस तरह से आप लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने प्लांट में ज़रूर यूज़ करें ताकि आपके गार्डन में भी इसी तरह फूल खिलें जैसे मेरे गार्डन में खिला हुआ है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो इस तरह से कंपोज यूज़ करें, अच्छे से सनलाइट दे, अच्छे से वाटरिंग करें, सॉइल मिक्सचर ऐसा ही बनाए जैसा मैंने बताया, अच्छे से काउडंग कंपोज या वर्मी कंपोज ऐड करके, और थोड़े से DAP के दाने भी यूज़ कर लेंगे तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। मेरे प्लांट में किसी तरह के कोई पेस्ट वगैरह नहीं लगे हैं अभी तक, आगे का नहीं पता, लेकिन अगर आपके प्लांट में लगते हैं तो प्लीज़ आप उसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर देंगे, नीम ऑयल का हल्का सा स्प्रे कर देंगे इवनिंग टाइम में, तो आपके जो प्लांट में मिली बग्स वगैरह लग जाते हैं वो नहीं लगेंगे। और हाँ, एक चीज़ बताना भूल गई, जब भी आप सॉइल मिक्सचर तैयार करें तो उसमें एक मुट्ठी नीम खली ज़रूर ऐड कर दें। मैं कभी नहीं भूलती मिट्टी में नीम खली ऐड करना, तो इसलिए मेरे जो प्लांट हैं बहुत अच्छे से सेफली ग्रोथ करते रहते हैं, कोई पेस्ट वेस्ट नहीं लगते इसमें, और सुंदर से फूल देते रहते हैं। तो जब सॉइल मिक्सचर तैयार करें ना, एक दो मुट्ठी इसमें नीम खली ऐड कर दे, जितना बड़ा पॉट है उसके अकॉर्डिंग, तो वो इजली ग्रोथ करता रहेगा। तो बस फ्रेंड, ये आज की वीडियो थी। अगर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा कि इसकी केयर ऐसे करेंगे तो इस तरह से हैवी फ्लावरिंग होगी जैसे मेरे प्लांट में हो रही है। और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे से जुड़े रहिए ताकि अगली जो वीडियो बनाऊँ उसके लिए नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा ताकि वो ईजिली आपके तक पहुँच जाए और आप उसे देख के अपने प्लांट की केयर कर सकें, और इस तरह से जैसे मेरे ढेरों फूल खिले, इस तरह से आपके गार्डन में भी ढेरों फूल खिल सके। जल्दी ही किसी नए टॉपिक पे कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आती हूँ आप सबके लिए, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।